हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नविता और नविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने जो है क्रिसमस केक के लिए हम जो ड्राई फ्रूट्स जो सोख करते हैं, जो सारी हमारी जो ड्राई बेरीज होती हैं, उसको मैंने यहां पे रम के अंदर किस तरीके से सोख किया है, कितना सोख किया है, कितने कितने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू से लेके एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिए। अगर आप भी क्रिसमस केक की तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो सोकिंग का टाइम हमारा शुरू हो गया है, तो हमने इसी टाइम पे सोक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक जरूर करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेसिपी। देखिए, यहाँ पे मैंने लिए हैं सीडलेस खजूर, यानी कि डेट्स, वो हैं 70 ग्राम है। आप इसको कट कर लीजिए। ये टूटी फ्रूटी मैंने लिए है यहाँ पे कलरफुल, 70 ग्राम यहाँ पे मैंने डाली है। ये ब्लैक रेजन्स हैं, काली किशमिश है, ये 80 ग्राम्स मैंने ली है। इसको छोटे छोटे पीसेस में आप कट करके डाल लीजिए, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता है थोड़ा, तो हमें इसको कट करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे बड़े बड़े मुँह में आती वो अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ब्राउन रेजन्स लिए हैं, ये 40 ग्राम्स है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन वाली, जो ग्रीन रेजन्स होती है, 50 ग्राम्स मैंने यहाँ पर ली हैं। इन ये सारी ऑल बेरीज हैं यहाँ पे, मैंने एक पैकेट मंगवाया था, एक्चुअली मैंने वही मिक्स करके इसमें डाली है, उसको भी बीच में मैंने कट कर लिया। इसके अंदर ये सारी चीज़ें ही हैं, बस इसके अंदर हेज़लनट और स्ट्रॉबेरीज का फ्लेवर ज़्यादा है। तो ये जैसे भी आपके बेरीज होती हैं, आप बड़े पीसेज में हैं तो आप इसे कट कर लीजिए छोटे छोटे में, तभी ये अच्छी लगती हैं। तो ये सबको भी मैंने कट करके इस बोल के अंदर डाल दिया है। ये 75 ग्राम लिया था मैंने। यहाँ पे ड्राई कैंडी जो है जिंजर लिया है मैंने। देखिए, ऐसे पैकेट आता है, बहुत तरीके के पैकेट्स आते हैं, तो ये इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में होता है, जो सूखा अदरक होता है ना, ये मीठा होता है थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लगता है केक के अंदर। तो इसको आप ऐसे पीसेज में कट कर लीजिए, इसका टेस्ट बहुत ही गजब का लगता है केक के अंदर। ये इसे आप ज़रूर डालिए, इसको डालना बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही छोटे छोटे हम कट कर लेंगे और इसको इसमें केक में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई एप्रिकॉट लिया, ये 70 ग्राम मैंने लिया है। जो ड्राई जिंजर था वो 60 ग्राम था, ये एप्रिकॉट है 70 ग्राम। ये भी आप जो है इस तरीके से इसमें पीसेस में आता है, ये ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं आप, नहीं तो जहाँ पे सब बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये 70 ग्राम लिया, इसको भी छोटे छोटे पीसेज में कट करके आप इस तरीके से डाल दीजिए। फिर उसके बाद मैं शुगर कैंडी ली है, जो बच्चे खाते हैं शुगर कैंडी, शुगर वाली होती है ये भी, इसका फ्लेवर भी केक के अंदर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 70 ग्राम लिए। वैसे ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये अच्छी लगती है केक के अंदर। तो ये भी मैंने यहाँ पर 70 ग्राम लिए है और उसको छोटे पीसेज में कट कर लिया है। इसको भी मैंने इस बोल में मिक्स कर दिया है, ये सब चीज़ हमने इकट्ठी ही जो है मिक्स करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑरेंज मार्मलेड लिया है, ये ऐसी बॉटल आती है, ये 70 ग्राम मैंने लिक्विड फॉर्म में है, इसके अंदर ऑरेंज पील है वो भी डाल दिया है। बहुत अच्छा लगता है ये इस तरीके से, ऑरेंज के जो पील आते हैं बाइट में, बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस केक के अंदर। और ये सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है आपस में, और एक हमने जो है इसको डालने से पहले एक कंटेनर के अंदर आपस में इनको मिलना बहुत ज़रूरी है। शफल कर दीजिए इसको स्पून से अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंटेनर लेना है, ग्लास कंटेनर आप लीजिए, ग्लास कंटेनर अच्छा रहता है बेरीज के लिए सोक करने के लिए। तो ये सारा जो हमने अभी मिक्स तैयार किया है बेरीज का, इसको इसके अंदर आप फिल कर लीजिए पूरा अच्छे से। जो आपका ये ग्लास कंटेनर एकदम ड्राई होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, इसको धूप लगा लीजिए एक बारी और फिर इसको यूज़ करिए। ये रम मैंने ली है, रम को मैंने 250 ml इसके अंदर डाला है, यानी कि ये 1 कप है, 1 कप मेजरिंग का जो कप है, अगर आप केक्स वगैरह जैसे बनाते हैं या आप एक सेट कर लीजिए ग्लास, वो आप डाल दीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये इसको मिक्स करके आप रख दीजिए। तो बस ये जितने दिन भी आपको सोक करना है, 7 दिन है, 10 दिन, 10-12 दिन तो आप ज़रूर करिए, तो आप हमारा क्रिसमस केक के लिए बेरीज हमारी तैयार हो गई है। ये मैंने टोटल जो है 655 ग्राम्स को सोक किया है बेरीज को। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने किलो का केक बना रहे हैं और आपकी ही विषय कि आपने इसमें से कितना उसके अंदर बेरीज को डालना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है, जब तक ध्यान रखिए, बाय बाय।